नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे जब आप मैपिंग करते हो कोई भी प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट गलत प्रोडक्ट के साथ मैप कर हो जाती है, तो वो जो मैपिंग की प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। तो लाइक आप परचेज की एंट्री सीएसी फाइल के थ्रू करते हो और वो प्रोडक्ट आपकी गलत प्रोडक्ट के साथ मैप हो गई है, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको परचेज का इनवॉइस आपको ओपन कर देना है। परचेज का इनवॉइस ओपन करने के बाद आपको ये एडिट करना है, इनवॉइस एडिट करना है। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट गलत मैप हुई है तो वो प्रोडक्ट आपको यहाँ से डिलीट कर देनी है। लाइक आपकी ये प्रोडक्ट गलत प्रोडक्ट के साथ मैप हुई है तो यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट डिलीट कर देनी है और एक्चुअल जो प्रोडक्ट है आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है, और जो गलत प्रोडक्ट के साथ मैप हुई थी उसका स्टॉक चला जाएगा और आप जो एक्चुअल प्रोडक्ट है आपकी वो प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी और ये इनवॉइस आपको सेव कर देना है। तो इस तरह से आप करेक्शन कर सकते हो। अभी मान लीजिए कि आपने डेटा पोर्टिंग करवाया हुआ है और आप एड न्यू आइटम करते वक्त कोई गलत प्रोडक्ट के साथ वो प्रोडक्ट आपकी मैप हो चुकी है, तो उसकी तो कोई परचेज एंट्री नहीं होती है तो सिस्टम में, तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री पर जाना है और वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर सर्च कर देनी है। तो यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट ओपन करनी है, ये प्रोडक्ट में आपको एडिट करनी है और इसका जो स्टॉक है जीरो स्टॉक करके अपडेट कर देना है और ये बैच आपको यहाँ से डिलीट कर देनी है। और ये प्रोडक्ट की बैच डिलीट करने के बाद आप एज ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में आपको वो सही प्रोडक्ट ऐड करनी है और जो क्वांटिटी है यहाँ पर क्वांटिटी लिखने के बाद आपको ये प्रोडक्ट ऐड कर देनी है। तो इस तरह से आपकी कोई प्रोडक्ट गलत प्रोडक्ट के साथ मैप हो गई है तो एज ओपनिंग स्टॉक वो प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट का रिपोर्ट इश्यू किस तरह से करना है? रिपोर्ट इश्यू कोई भी प्रोडक्ट का मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक उसका फोटो गलत होता है या फिर मैन्युफैक्चर गलत होता है या फिर पैकेजिंग साइज कुछ भी गलत होता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट डुप्लीकेट आइटम है, तो उसके लिए आपको रिपोर्ट इश्यू कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑन बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इन्वेंट्री पर जाना है, यहाँ पर आपको वो मेडिसिन सर्च कर देनी है जो जिसका आपको रिपोर्ट इश्यू करना है। यहाँ पर वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो थ्री डॉट दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन है, तो यहाँ से मिसिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और दूसरा है डुप्लीकेट आइटम। अभी कोई भी प्रोडक्ट की आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लग रही है तो उस पर क्लिक करना है, या फिर आपको लग रहा है ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट आइटम है तो यहाँ पर क्लिक करना है। पहले हम देख लेते हैं मिसिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको सिलेक्ट इश्यू करना है, यहाँ पर आपको इश्यूज लिखे हुए हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इश्यू सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप वो फोटो भी ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट का, उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वो प्रोडक्ट का डुप्लीकेट आइटम है तो यहाँ पर वो आपको क्लिक करना है और वो आइटम आपको यहाँ पर दूसरा नाम या फिर उसका बारकोड नंबर भी लिख सकते हो और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप मोबाइल एप्लीकेशन से रिपोर्ट इश्यू कर सकते हो। आपने जो रिपोर्ट इश्यू किया है वो बैकएंड टीम को मिलेगा और बैकएंड टीम प्रोडक्ट के फोटो के अकॉर्डिंग 48 आवर्स में सिस्टम में अपडेट करेगी। थैंक यू।